नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा जी, मेरा YouTube चैनल बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर, बेटा जी इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और वीडियो मेरे अच्छे आते हैं बेटा, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें बेटा, अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, सब्सक्राइबर ताकि हमारे बढ़ते जाए। बेटा जी आपका उसमें सहयोग है, इसको मैं भली भांत अच्छे तरीके से मानता हूँ। बच्चों आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसका नाम है राइबोसोम्स। ये बेटा जी तीन पॉइंट इसके जहाँ सवालों का भंडार है। पहला इसमें है इट इज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, दूसरा है इट इज ए मेम्ब्रेनस विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल, और तीसरा है इट इज ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल्स। ये तीन पॉइंट पहले लिखता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। क्या देखिए इसमें है, पहली पॉइंट लिख रहा हूँ इसमें, इट इज स्मॉलेस्ट, इट इज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल, इट इज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, ये सबसे छोटा कोशिकांग है बेटा। इट इज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, इट इज ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल, इट इज ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। ए मेम्ब्रेनस मतलब समझते हैं बेटा जी, इसका मतलब होता है विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन। तो इट इज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, इट इज ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, और नेक्स्ट है इट इज ऑर्गेनेल, इट इज ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल्स, विद इन ऑर्गेनेल्स। तो इट इज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, इट इज ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, इट इज ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल्स। यह एक ऐसा कोशिकांग है जो दूसरे कोशिकांगों में भी पाया जाता है, जैसे माइटोकांड्रिया भी पाया जाता है, ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। माइटोकांड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट खुद ऑर्गेनेल्स हैं बेटा। तो एक ऐसा ऑर्गेनेल जो दूसरे ऑर्गेनेल में पाया जाता है उसका नाम है राइबोसोम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार सवाल आता है। तो ये जो तीनों पॉइंट बताया मैंने बेटा, ये तीनों पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपका देखिए इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इन एनिमल सेल्स इट इज फर्स्ट स्टडीड बाई पैलाडे। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा, पूछा जाता बार बार कि राइबोसोम को सबसे पहले किसने स्टडी किया था, तो पैलाडे ने। तो ये चार पॉइंट हो गया बेटा जी, है ना, चारों पॉइंट नोट कर लीजिए आप, मैं आगे बढ़ता हूँ। हो गया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चार पॉइंट हो गया बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, इन प्लांट सेल्स
राइबोसोम्स आर फर्स्ट स्टडीड बाई इन प्लांट सेल्स राइबोसोम्स आर फर्स्ट स्टडीड बाई रॉबिन्सन एंड ब्राउन इन रूट सेल्स ऑफ बीन। तो रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने बेटा प्लांट सेल में राइबोसोम को सबसे पहले स्टडी किया था। इन प्लांट सेल्स राइबोसोम्स आर फर्स्ट स्टडीड बाई रॉबिन्सन एंड ब्राउन इन रूट सेल्स ऑफ बीन, है ना, बीन के रूट सेल्स में। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज़ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। तो क्या कहा बेटा, इन प्लांट सेल राइबोसोम्स आर फर्स्ट स्टडीड बाई रॉबिन्सन एंड ब्राउन इन रूट सेल्स ऑफ बीन, इट इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता बेटा। और नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए इसमें क्या, राइबोसोम्स आर फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स एक्सेप्ट आरबीसी एंड मैच्योर स्पर्म सेल्स ऑफ एनिमल्स। तो क्या हो गया बेटा, इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम्स आर फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स एक्सेप्ट आरबीसी एंड मैच्योर स्पर्म सेल्स ऑफ एनिमल्स। हमने कहा राइबोसोम सभी लिविंग सेल में पाया जाता है बेटा, यानी वो प्लांट सेल में भी है, वो एनिमल सेल में भी है, वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी है, वो यूकैरियोटिक सेल में भी है। लिख लीजिए बेटा जी। तो आगे बढ़ता हूं, हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए बेटा जी, राइबोसोम्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो राइबोसोम्स आर फाउंड इन, कहाँ पाया जाता बेटा, ये प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है और ये यूकैरियोट में भी पाया जाता है। प्रोकैरियोट में कहाँ पाया जाता है, देखिए ये पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोट्स में कहाँ पाया जाता है ये बेटा, ये पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा ये पाया जाता है कहाँ, आपका मैट्रिक्स ऑफ माइटोकांड्रिया
मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा पाया जाता है कहाँ, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा ये पाया जाता है कहाँ, सरफेस ऑफ आर ई आर। तो हमने क्या कहा बेटा जी, राइबोसोम्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है, यूकैरियोट में भी पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट में कहाँ पाया जाता है, ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और यूकैरियोट में पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में, सरफेस ऑफ आर ई आर। सरफेस ऑफ आर ई आर को हम दिखा रहे हैं बेटा जी, कैसे देखे, ये आर ई आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक डायग्राम बना रहे हैं बेटा जी। देखिए ये देखिए, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपका है आर ई आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए दो सब यूनिट है, एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। एक सवाल पूछता बेटा कि रफ ई आर के सरफेस से जो राइबोसोम लगा होता है, तो वो आर ई आर से, आर ई आर के सरफेस से कौन सी सब यूनिट लगी रहती है, वो लार्जर सब यूनिट है कि स्मॉलर सब यूनिट है। तो आपका जवाब क्या होगा बेटा, लार्जर सब यूनिट। ये देखिए लार्जर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट। और ये देखिए क्या है, स्मॉलर, स्मॉलर सब यूनिट, सब यूनिट। तो लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, थोड़ा डाल इसमें, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। तो एक सवाल आता है बेटा, याद रखिएगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से राइबोसोम लगा रहता है, तो उसकी कौन सी सब यूनिट उससे लगी रहती है, लार्जर सब यूनिट की स्मॉलर, तो लार्जर सब यूनिट। ये देखिए लिखा है, ये लार्जर सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट, ये आर ई आर का डायग्राम है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या कि राइबोसोम कहाँ पाया जाता है। तो आगे देख लीजिए बेटा जी, ये नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिएगा, ये मदद करेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है बेटा जी, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, राइबोसोम्स आर फॉलोइंग टाइप्स। क्या बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के आधार पर, ठीक है, राइबोसोम्स आर फॉलोइंग टाइप्स। इसमें आपका पहला है बेटा एटीएस,
एटीएस का डायग्राम देखिए बनाएंगे अगर बेटा जी, दो सब यूनिट होती है, ये देखिए आपका 60S होता है, ये 40S होता है। और देखिए दो पॉइंट है, फाउंड इन यूकैरियोट्स, फाउंड इन यूकैरियोट्स, और दूसरा है इनएक्टिवेटेड बाई, इनएक्टिवेटेड, इनएक्टिवेटेड बाई साइक्लो हेक्सामाइड कंपाउंड, इनएक्टिवेटेड बाई साइक्लो हेक्सामाइड कंपाउंड, कंपाउंड। दूसरा देखिए बेटा जी, इसमें क्या है आपका, आपका है नंबर टू 70S, 70S, इसमें दो सब यूनिट है बेटा, क्या क्या, एक आपका 50S है, एक 30S है, तो 50S और 30S, और ये देखिए क्या है, फाउंड इन, फाउंड इन कहाँ का पाया जाता बेटा, ये पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स, इसके अलावा पाया जाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा पाया जाता है ये आपका क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट। विजिबल है बेटा ना, तो 70S आपका, 30S और 50S फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये नोट कर लीजिए बेटा। तो आगे बढ़ता हूं, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जी। और जो तीसरे प्रकार का राइबोसोम है, एक पॉइंट और यहाँ लिखना था बेटा, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम में एक पॉइंट और लिख लीजिए बेटा, इनएक्टिवेटेड बाई, इनएक्टिवेटेड बाई एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्लोरोमाइसिटीन, क्लोरोमाइसिटीन, क्लोरोमाइसिटीन इनएक्टिवेटेड बाय एंटीबायोटिक क्लोरोमाइसिटीन। इनएक्टिवेटेड बाय, इनएक्टिवेटेड बाई एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्लोरोमाइसिटीन, क्लोरोमाइसिटीन। अब जो तीसरे प्रकार का जो राइबोसोम है बेटा जी, वो है आपका 55S, 55S, ये देखिए इसका डायग्राम है बेटा, ये आपका नीचे 35 है, 35S और 25S, ये आप बेटा 35S मान के चलिएगा, नहीं तो आप 255 कह देंगे बेटा, तो गड़बड़ हो जाएगा, याद रखिएगा 35S है फिर 25S है। और ये कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन मैमेलियन, मैमेलियन माइटो कॉन्ड्रिया, फाउंड इन मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया। अब आगे देखिए क्या बेटा जी इसमें नेक्स्ट है, नोट करके लिख लीजिएगा,
नोट करके। ये यस क्या होता बेटा? यस इक्वल टू स्वेड वर्ग यूनिट, स्वेड वर्ग यूनिट है, स्वेड वर्ग यूनिट। और ये क्या करता है? इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली ए मेजर ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी एंड साइज, डेंसिटी एंड साइज। तो यह स्वेड वर्ग यूनिट है बेटा, इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज, डेंसिटी एंड साइज को ये इनडायरेक्टली मेजर करता है बेटा जी, इनडायरेक्टली मेजर करता है। तो नोट कर लीजिए, ये तीन प्रकार के राइबोसोम हो गए ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, आपका 80S, आपका 70S, आपका 55S। 80S फाउंड इन यूकैरियोट्स, 70S फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एंड माइटोकांड्रिया क्लोरोप्लास्ट, और 55S फाउंड इन मैमेलियन माइटोकांड्रिया। यस क्या बेटा? यस स्वेड वर्ग यूनिट है, और ये जो है इनडायरेक्टली मेजर करता है क्या? डेंसिटी एंड साइज। ये एनसीईआरटी में चीज़ें दी हुई हैं बेटा, आप देखिएगा वहाँ तो आपको मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, इसमें दी डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, दी डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ राइबोसोमल, राइबोसोमल, दी डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट, सब यूनिट डिपेंड्स, दी डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स, राइबोसोमल सब यूनिट्स डिपेंड्स, डिपेंड्स ऑन या डिपेंड्स अपॉन मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन, मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन। देखिए बेटा जी क्या इसमें है, द डिसोसिएशन अलग होना एंड एसोसिएशन पुनः जुड़ जाना ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स डिपेंड्स अपॉन मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, लोअर द, लोअर द कंसंट्रेशन ऑफ, लोअर द कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, लोअर द कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन फेवर द, फेवर द डिसोसिएशन ऑफ, डिसोसिएशन ऑफ राइबोसोमल, राइबोसोमल सब यूनिट्स, सब यूनिट्स, लोअर द कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन फेवर द डिसोसिएशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स एंड हायर द, एंड हायर द, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन फेवर द, फेवर द एसोसिएशन ऑफ, एसोसिएशन ऑफ, एसोसिएशन ऑफ राइबोसोमल, राइबोसोमल सब यूनिट, सब यूनिट, राइबोसोमल सब यूनिट्स। क्या लिखा बेटा मैंने? लोअर द कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन फेवर द डिसोसिएशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स एंड हायर द कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन फेवर द एसोसिएशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। यानी
आप पता है मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन बेटा बढ़ा देंगे तो राइबोसोमल सब यूनिट जुड़ जाती हैं, घटा देंगे तो अलग हो जाएंगे। अब कितने पर वो अलग होते हैं, कितने पर जुड़ते हैं, आगे देखिए बेटा जी, पहले लिख लीजिए ये। हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइबोसोमल, राइबोसोमल सब यूनिट, सब यूनिट, सब यूनिट्स डिसोसिएट, डिसोसिएट एट 10^-4 मोलर, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन 10^, आप इसको ये भी कह सकते हैं राइबोसोमल सब यूनिट्स डिसोसिएट एट 10^-4 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। आप इसको ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 0.0001 मोलर, यम लिख दिया मोलर, समझिएगा बेटा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, ठीक है। 10^-4 को बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा वहाँ दिखा लिखा है बेटा जी मोलर कंसंट्रेशन, तो यहाँ मैंने यम लिख दिया, यम मैंने मोलर हो गया, CONC लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा राइबोसोमल, राइबोसोमल सब यूनिट, सब यूनिट्स एसोसिएट, एसोसिएट राइबोसोमल सब यूनिट्स एसोसिएट एट 10^-3 मोलर, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। आप इसको क्या कह सकते हैं बेटा, इसको आप कह सकते हैं 0.001 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। तो क्या हो गया, दो पॉइंट हो गया बेटा, राइबोसोमल सब यूनिट्स डिसोसिएट एट 10^-4 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, जिसको आप कह सकते हैं क्या 0.001 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, राइबोसोमल सब यूनिट्स एसोसिएट एट 10^-3 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, जिसको आप कह सकते हैं क्या 0.001 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। लिख लीजिए बेटा जी, हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट पॉइंट है डाइमर। अब डाइमर क्या होगा बेटा, जैसे आप एक राइबोसोम बनाएं तो एक लार्जर सब यूनिट होती है, एक स्मॉलर सब यूनिट होती है, ये मोनोमर हो गया बेटा। अब फिर देखिए एक स्मॉलर सब यूनिट और एक लार्जर सब यूनिट ये जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये डाइमर हो गया, ये क्या हो गया डाइमर। तो डाइमर फॉर्मिंग, डाइमर फॉर्मिंग कंसंट्रेशन,
डाइमर फॉर्मिंग कंसंट्रेशन इज, डाइमर फॉर्मिंग कंसंट्रेशन इज 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं बेटा इसको 0.01 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब नीचे देखिए बेटा क्या होगा, ये जैसे आपका है इसमें 70s प्लस 70s, इसे आप देते हैं क्या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, तो ये हो क्या हो जाएगा, बनेगा डाइमर। ये डाइमर कितने का होगा बेटा, 100s का होगा। आप क्या दे रहे हैं देखिए, आप दे रहे हैं इसमें 0.01 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। इसी तरह से आप देंगे क्या बेटा, यहाँ 80s प्लस 80s, तो ये बनाएगा क्या बेटा, ये बनाएगा डाइमर बनाएगा। अब वो डाइमर कितने का होगा, 120s का होगा। तो ये क्या देंगे, 0.01 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन। तो ये तो हमने बता दिया बेटा कि राइबोसोमल सब यूनिट का डिसोसिएशन और एसोसिएशन, इसके अलावा डाइमर फॉर्मिंग कंसंट्रेशन, हमने कहा मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन इसमें मदद करता है बेटा जी। तो ये आप हो गया, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद इसमें बेटा एक टर्म आता है पॉलीसोम, पॉलीसोम, पॉलीसोम क्या देखे, एक ग्रुप ऑफ फाइव और मोर राइबोसोम्स, एक ग्रुप ऑफ फाइव और मोर राइबोसोम्स कनेक्टेड बाई ए मालिक्यूल ऑफ mRNA। पॉलीसोम देखिए, ए ग्रुप ऑफ फाइव आर मोर राइबोसोम्स कनेक्टेड बाई ए मालिक्यूल ऑफ mRNA, मैसेंजर RNA, कॉमा दीजिएगा, नोन एज पॉलीसोम। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, पॉलीसोम फर्स्ट स्टडीड बाई अलेक्जेंडर रिच, इनका नाम है बेटा रिच, अलेक्जेंडर रिच इनका नाम है। और रिच वही है जो आपकी धनी की स्पेलिंग होती है बेटा, तो इसको आप अलेक्जेंडर धनी भी कह सकते हैं, लेकिन धनी कैसे कह सकते हैं, वो तो उनका रिच नाम ही है, तो आपको रिच ही कहना पड़ेगा बेटा। तो पॉलीसोम फर्स्ट स्टडीड बाई अलेक्जेंडर रिच, लिख लीजिए बेटा। तो मैं पॉलीसोम का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ए ग्रुप ऑफ फाइव आर मोर राइबोसोम्स कनेक्टेड बाई ए मालिक्यूल ऑफ mRNA नोन एज पॉलीसोम, यानी आपको पॉलीसोम बनाना है तो कम से कम 5 राइबोसोम होने चाहिए बेटा, यानी 4 राइबोसोम पॉलीसोम नहीं बना सकते,
पाँच हो या पाँच से अधिक हो बेटा, याद रखिएगा, पाँच या पाँच से अधिक तभी पॉलीसोम बनेगा, चार और तीन से पॉलीसोम नहीं बनेगा बेटा जी, ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ फाइव आर मोर राइबोसोम्स कनेक्टेड बाई ए मालिक्यूल ऑफ एमआरएनए, ए ग्रुप ऑफ फाइव आर मोर राइबोसोम्स, ठीक है, लिख लिया होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे देखिए क्या बेटा जी, ये आपका, ये देखिए एमआरएनए है, ये क्या है एमआरएनए, और इसमें क्या देखिए, ए ग्रुप ऑफ फाइव आर मोर राइबोसोम्स, ये देखिए एक हो गया, ये देखिए दूसरा हो गया, ये देखिए तीसरा हो गया, ये देखिए चौथा हो गया, ये देखिए पांचवा हो गया। कम से कम पांच तो बनाना ही पड़ेगा बेटा आपको, ए ग्रुप ऑफ फाइव आर मोर राइबोसोम्स, है ना। तो इसे क्या कहेंगे आप, ये राइबोसोम है, ये क्या है देखिए, ये आपका राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स, और ये देखिए क्या है, एम आर एन ए है, मैसेंजर आर एन ए, मैसेंजर आर एन ए, ये स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका, पॉलीसोम हो गया बेटा, पॉलीसोम हो गया, पॉलीसोम बना लीजिए। अब देखिए क्या है इसमें, जो नेक्स्ट चीज है बेटा वो है, इसी में एक सब हेडिंग है बेटा, केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम्स, केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम्स होता क्या बेटा, केमिकली, केमिकली राइबोसोम्स, केमिकली राइबोसोम्स आर, केमिकली राइबोसोम्स आर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, केमिकली राइबोसोम्स आर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, यानी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स का मतलब बेटा ये आर आर एन ए, राइबोसोमल आर एन ए और प्रोटीन का बना होता है। तो राइबोसोम किसका बना होता बेटा, राइबोसोमल आर एन ए एंड प्रोटीन का बना होता है। तो ये देख लीजिए, हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जी, इसमें देखिए बेटा जी, हमने लिखा यहां क्या, राइबो, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स लिखा। इस राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स में दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें हो जाएंगी इसमें, एक हो जाएगा इसमें आपका आर आर एन ए, आर आर एन ए, राइबोसोमल आर एन ए प्लस आपका हो जाएगा प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स। तो राइबोसोमल आरएनए देखिए आपका कितना होता है, 65%
65% प्लस प्रोटीन कितना होता है 35%। कहाँ बेटा जी? इन प्रोकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में आरआरएनए 65% होता है, प्रोटीन 35% होती है इन प्रोकैरियोट्स। और देखिए आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए 45% तो प्लस क्या हो जाएगा 55% प्रोटीन्स कहाँ? इन यूकैरियोट्स में होती है, यूकैरियोट्स में होती है। तो अब बेटा जी इसमें जो मैं एक पॉइंट लिखने जा रहा हूँ ये बार बार सवाल में आता है, बार बार पूछा जाता बेटा, तो उसको मैं लिख दे रहा हूँ। इसमें क्या है? मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आरआरएनए फाउंड इन राइबोसोम्स। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आरआरएनए फाउंड इन राइबोसोम्स व्हाइल सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए टेक्स प्लेस इन मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आरआरएनए फाउंड इन राइबोसोम्स व्हाइल सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियोलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि राइबोसोमल आरएनए का जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है वो कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है बेटा, जबकि उसकी सिंथेसिस कहाँ होती है? तो न्यूक्लियोलस में होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नोट कर लीजिए, हो गया होगा। आगे देखिए क्या बेटा, द नंबर ऑफ आरआरएनए मॉलिक्यूल्स फाउंड इन डिफरेंट राइबोसोम्स। द नंबर ऑफ आरआरएनए मॉलिक्यूल्स फाउंड इन डिफरेंट राइबोसोम्स क्या? देखिए बेटा इसमें 80s, इसके दो सब यूनिट है बेटा 60s और 40s। 60s में देखिए आरआरएनए के तीन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, 28s, 5.8s और 5s। और यहाँ एक पाया जाता है बेटा 18s। कुल मिला ये क्या होते हैं? आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। ये भी क्या होता है? आरआरएनए। ये भी क्या होता है? आरआरएनए। ये भी क्या होता है? आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। यानी आप कह सकते हैं क्या, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ आरआरएनए, यानी 80s टाइप ऑफ राइबोसोम में आरआरएनए के 4 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं बेटा। और अगर एक सवाल पूछा जाए हाउ मेनी आरआरएनए मॉलिक्यूल्स फाउंड इन 60s सब यूनिट ऑफ 80s राइबोसोम,
60S सब यूनिट ऑफ 80S राइबोसोम। तो 60S में तीन है, 28S, 5.8S, 5S, और 40A में एक है 18S। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। दूसरा देख लीजिए, इसमें आपका क्या है 70S, इसके दो सब यूनिट होते हैं बेटा, एक होता है 50S, एक होता है 30S। 50S में देखिए क्या होता है बेटा जी, ये दो पाए जाते हैं, एक होता है 23S, यहाँ होता है 5S, यहाँ होता है क्या आपका 16S। ये क्या होता बेटा RRNA, ये क्या होता बेटा RRNA, ये क्या होता है RRNA। यानी आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, थ्री मालिक्यूल्स ऑफ आर आर एन ए। ठीक है, तो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम में थ्री मालिक्यूल्स ऑफ आर आर एन ए पाए जाते हैं बेटा, और अगर 50S में पूछेगा तो दो मालिक्यूल आर आर एन ए के पाए जाते हैं, 23S, 5S, यहाँ एक होता है 16S। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ बेटा, बार बार पूछी जाती है, ये आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मदद करता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जब आप पढ़ते हैं बेटा कि ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ते हैं बेटा, तो वहाँ ट्रांसक्रिप्शन में एक एंजाइम मदद करता है जिसका नाम आरएनए पॉलीमरेज है। तो प्रोकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज एक प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोट में तीन प्रकार का होता है, और उसके अलग अलग काम होते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको मदद करेगा। साइटोलॉजी वाले पोर्शन में देखेंगे तो थोड़ा सा है, लेकिन बेटा आप जब पूरे 11, 12 दोनों के आप एनसीईआरटी की बात करेंगे और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ अप्लीकेबल हैं। तो ये नोट कर लीजिए बेटा जी, हो गया होगा। आगे बढ़ता हूँ, पाँच मिनट और लगेंगे, केवल हो जाएगा। अब देखिए आपका जो तीसरा प्रकार का राइबोसोम है बेटा, वो 55S होता है। 55S, दो सब यूनिट होती है बेटा, एक होती है 35S, दूसरी होती है 25S। 25S यहाँ देखिए क्या होता बेटा, यहाँ 35S में ये पाया जाता है 21S आर आर एन ए, यहाँ पाया जाता है 12S आर आर एन ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, आप फिर से देखिए बेटा, ऊपर दिख नहीं रहा ये, तो मैं नीचे लिखना पड़ेगा। ये आपका 55S, दो सब यूनिट, एक है आपका 35S और दूसरा है 25S। 35 में देखिए बेटा 21S आरआरएनए पाया जाता है, और यहाँ पाया जाता है क्या बेटा, 12S आरआरएनए। तो दोनों मिलकर के कितने हो गए, यहाँ देखिए कितना हो गया बेटा, आप कहेंगे टू मालिक्यूल्स ऑफ आरआरएनए। तो आपने देखा 80S में आपने देखा बेटा जी 80S टाइप ऑफ राइबोसोम में आरआरएनए के चार मॉलिक्यूल हैं, 70S में थ्री मॉलिक्यूल हैं, 55S में टू मॉलिक्यूल हैं। अब इसके बाद देखिए क्या है बेटा जी, नेक्स्ट पॉइंट जो है द नंबर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स
फाउंड इन डिफरेंट डिफरेंट राइबोसोम्स। देखिए नंबर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, वहाँ नंबर ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल की बात किया, नंबर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ बेटा। तो आपको पता है एटीएस, या एटीएस में दो सब यूनिट हैं, एक आपका 60S, एक आपका 60S और दूसरा है आपका 40S। 60S में जो प्रोटीन होता पी लिखा बेटा, वो आपका 40-50 होते हैं, 40-50। और यहाँ जो आपका पी होता है बेटा प्रोटीन मॉलिक्यूल, वो होते हैं 30। तो दोनों कह सकते हैं आप कि यहाँ होता है 70-80 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन, मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन। तो 70-80 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन पाए जाते हैं किसमें, 80S टाइप ऑफ राइबोसोम में बेटा। ये 35 है, ये 55, इसको 55 कर लीजिएगा बेटा, 50S नहीं 55S है ये, इसको देख लीजिएगा बेटा जी जरा, 50 मैंने लिख दिया था भूल से, तो 55 कर लीजिएगा बेटा। अब आगे देखें नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए बेटा आपका 70S, 70S में दो, अब देख लीजिए नेक्स्ट है बेटा 70S, दो सब यूनिट है आपका, इसमें है 50S प्लस 30S। 50S में पी जो पाया जाता बेटा वो आपका पी, उसके 34 मॉलिक्यूल्स होते हैं। और यहाँ जो 30S में पी होता बेटा वो होता 21, तो कुल मिला करके 55 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स। और बेटा 55S टाइप ऑफ राइबोसोम में कितने प्रोटीन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो जब जानकारी होगी तो मैं आपको बताऊंगा बेटा जी, लेकिन अब उसके लिए आप इंतजार मत करिएगा कि सुमन सर कब बताएंगे। अभी तक मैं 1990 से देख रहा हूँ, किताबों में यही लिख के आ रहा है, आप आगे डॉक्टर बन के आगे बढ़िए बेटा जी। 55S में कितने प्रोटीन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं इसके लिए रुकिएगा नहीं। एक लाइन और इसकी है, आखिरी लाइन लिख रहा हूँ बेटा, राइबोसोम खत्म हो जाएगा क्या, देखे राइबोसोम्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो कभी अगर पूछा जाए कि राइबोसोम किस में मदद करता है बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस की, फैट सिंथेसिस की, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, तो प्रोटीन सिंथेसिस लगाइएगा। लेकिन जानते बेटा जी आपको प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों आता है, तो कभी अगर पूछ दे कि वो ट्रांसक्रिप्शन में मदद करता है कि ट्रांसलेशन में कि रेप्लिकेशन में, तो ट्रांसलेशन लगाइएगा, है ना, ट्रांसलेशन लगाइएगा। तो ब्रैकेट में मैं इक्वल टू करके लिख रहा हूँ बेटा ट्रांसलेशन। आप कहेंगे सर जी ये तो दोनों चीज़ें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होती हैं, है ना, तो बेटा जी मैंने प्रोटीन सिंथेसिस बता दिया ना कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। अगर ये अब नहीं रहेगा, अगर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन रेप्लिकेशन और एक और रहेगा, चारों में प्रीफर करना होगा, तो ट्रांसलेशन को प्रीफर करेंगे। तो ये बेटा ओवरऑल किसके बारे में था, राइबोसोम्स के बारे में था। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है बेटा जी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें, सबको जोड़ें बेटा, सबको जोड़ें। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह को सब्सक्राइब करें बेटा। तो ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।